हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, 25 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की सीरीज हम लोग कर रहे हैं। आज है क्विक रिवीजन सीरीज पार्ट 6। सो स्पेशली हम लोग टारगेट कर रहे हैं अगस्त 2022 का यूजीसी नेट का एग्जाम। ठीक है, अगेन सेशन काफी इंपॉर्टेंट है और जितने भी 25 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं वो इंडियन इकोनॉमी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस कुछ न्यू क्वेश्चंस प्लस कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर से तैयार हो जाइए फुल एनर्जी के साथ। हम लोग जो सेशन है अपना 35 to 40 मिनट तक रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जितने भी काम वगैरह हैं आपके थोड़ा सा अलग रख दीजिए, क्योंकि 25 ऐसे क्वेश्चन हैं जो इंडियन इकोनॉमी में रिपीटेड होने के चांस ज्यादा होते हैं। क्योंकि एक बार थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें इंडियन इकोनॉमी की, थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट लगता है ये, क्योंकि डाटा बेस्ड है। लेकिन अगर आप इतने भी क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन रेंज में है आपके, तो मान के ये चलिए कि इसमें से आपके कुछ ना कुछ रिलेटेड या फिर कुछ ना कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, सो स्पेशली हम लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं 25 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज इधर उधर से सेलेक्ट करने की। ठीक है, तो इसमें मेनली हमारा टारगेट होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करें, जो फालतू के क्वेश्चन है उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें हम लोग। ठीक, तो फटाफट से जुड़ जाइए, और अगर किसी फ्रेंड के पास या फिर आपका ग्रुप है कोई, उसमें भेज दीजिए ताकि और का भी थोड़ा सा भला हो जाए। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी आपका जो टाइम है 35 to 40 मिनट तक, थोड़ा रिजर्व कर लीजिएगा टाइम। ठीक, यूपी पीजीटी का बैच चल रहा है, उसको ज्वाइन करना है तो कर लीजिएगा। और मॉक टेस्ट अभी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है यूजीसी नेट के लिए, स्पेशली डिजाइन किया है। 500 MCQs हैं, मतलब 5 सेट हैं, और 5 के 5 जो सेट हैं वो उसमें क्या है, एक्सप्लेन्ड है सभी। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी क्वेश्चन एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ इकोनोमेट्रिक्स हैं, सभी एक्सप्लेन्ड है। अब ये किसने बनाए, ये जो एमसीक्यूज हैं, ये टोटल एक टीम सेटअप भी है जिसमें कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर, कुछ पीजीटी इकोनॉमिक्स, और उसके बाद निशी सर हैं, निशी सर, और उसके बाद खुद कुछ कुछ तैयारी इसमें मैंने खुद की है, जो इसमें ओवरऑल जितने भी इम्पोर्टेंट थे वो ही ऐड किए हैं, बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट नहीं थे उनको रिप्लेस किया गया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट एक मॉक टेस्ट बनाया कॉम्पैक्ट, और इसका भी थोड़ा बहुत इसमें ना थोड़ा लेस भी चल रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगेन थोड़ा हम लोग मैच पे लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 करेंगे, क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चंस टारगेट करते हैं रिलेटेड क्वेश्चंस को भी। ठीक, तो इंपॉर्टेंट सेशन है, काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि 25 MCQs जो है वो भी कुछ ऐसे हैं जो आपको बोर नहीं होने देंगे। ठीक है, ऐसा लगेगा आपको कि कुछ न्यू एमसीक्यूज या फिर कुछ ऐसे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तब भी बेनिफिशियल रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, टोटल फर्टिलिटी रेट एंड क्रियोट बर्थ रेट। इजी क्वेश्चन है, जो कि आपके माइंड में इजिली स्ट्रक कर गया होगा आंसर। ठीक है, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR, अभी इंडिया का NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट कर लीजिएगा 2019-20। ठीक है, ये कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग डाटा पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो MMR इसके अकॉर्डिंग अगर कितना है पता है तो ये भी बता दीजिए। ठीक है, MMR NFHS 5 के अकॉर्डिंग कितना है। चलिए, तो मेटरनल मोर्टेलिटी रेट हम लोग क्या करते हैं, 1 लाख में से कैलकुलेट करते हैं। ठीक, सो दैट एनुअल नंबर ऑफ फीमेल डेथ्स 1 लाख लाइफ। और एक बात ये भी काउंट कर लीजिएगा, 42 डेज आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, अगर डेथ हो जाती है किसी फीमेल की, उसको हम बोलते हैं MMR। नेक्स्ट वन इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ है एक इंसान कितने साल जीता है, इजी है। टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज। और उसके बाद क्रियो डेथ रेट, द रेट ऑफ डेथ पर 1000 पीपल। काफी इजी था पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट इज पहले, सेकेंड, फिर उसके बाद हो गया फोर्थ, उसके बाद 3, तो दैट इज सेकेंड, फिर उसके बाद फोर्थ, उसके बाद 1 एंड देन 3, 2 4 1 3। ठीक, 2 4 1 3, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, जिसका भी 1 है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो थोड़ा और भी डिटेल में दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, MMR NFHS 5 की रिपोर्ट है ये। ठीक, तो थोड़ा सा अभी इंप्रूव हुआ है, 103 हुआ है, पहले कितना था, 113 16 18 में। सबसे हाई अगर बात करें तो सबसे हाई MMR, ठीक है, ये स्टेट पंजाब, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल वगैरह, ये हाई रेंज में आते हैं। और वहीं लो रेंज में थोड़ा हरियाणा या कर्नाटका वगैरह थोड़ा लो है, थोड़ा बेटर स्टेट में। चलिए, TFR अगर हम बात करें तो 2 है, ये ध्यान में रखिएगा, थोड़ा कम हो गया 2.1 से, पहले 2.2 2.1 था, 2 रह गया टोटल फर्टिलिटी रेट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द राइट फॉर्मूला टू नो द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक
एक तो यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल तो नहीं आने वाला, लेकिन फॉर्मूलाज याद कर लीजिएगा, कई बार पूछ सकता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका फॉर्मूला, ठीक है, जो डायरेक्ट जो राइट आंसर है उस पर हम लोग चलेंगे, ज्यादा ऑप्शंस पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं, दैट इज टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, दैट इज टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअली यहाँ पे जितने भी लेबर या अनएम्प्लॉयमेंट रेट पार्टिसिपेशन रेट की स्टडी है वो कभी मल्टीप्लाई 1000 से नहीं होता, ठीक है, तो इसको तो डायरेक्ट काट दीजिएगा। तो आंसर क्या है हमारा यहाँ पे, फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड एंड टोटल लेबर फोर्स। और मान लीजिए पार्टिसिपेशन रेट पता करना हो, मतलब एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन या एम्प्लॉयमेंट रेट, तो अनएम्प्लॉयड की जगह यहाँ पे एम्प्लॉयड आ जाएगा, तो तब भी आपका फॉर्मूला ठीक हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो यहाँ भी ऑप्शन वन जो है करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री, डायरेक्टिव प्लानिंग इज मेनली परस्यूड अंडर, ठीक है, डायरेक्टिव प्लानिंग, डायरेक्टिव क्या होता है, इट इज रिलेटेड विद डायरेक्शन। अब डायरेक्शन किसका, डायरेक्शन गवर्नमेंट देती है किसको, इकोनॉमी को, ठीक है, तो यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है किससे। अब यहाँ पे अब ये मत समझना कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट तो डायरेक्ट डायरेक्शन दे सकती है, मेन रोल प्ले कौन करता है यहाँ पे, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक, तो डायरेक्शन कहने का मतलब है डायरेक्टिव प्लानिंग, गवर्नमेंट डायरेक्शन देती है कि डिमांड एंड सप्लाई क्या मेनली बढ़ेगा कम होगा, ठीक है, ताकि इकोनॉमी क्या हो, स्टेबलाइज इक्विलिब्रियम में रहे। चलिए, सो राइट आंसर की तरफ चलते हैं, तो जो ये डायरेक्टिव प्लानिंग है ये मेनली सुटेबल है आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए। ठीक है, एक बात ध्यान रही है, यहाँ गवर्नमेंट सिर्फ डायरेक्शन देती है, इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का एक्टिव इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, जहाँ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है वो सोशलिस्ट हो जाती है जैसे चाइना में है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों की, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टिव प्लानिंग जो रिलेटेड है वो है कैपिटलिस्ट। ठीक, सो एक बार थोड़ा और भी डिटेल में पढ़ लेते हैं, जो राइट आंसर है फर्स्ट, तो डायरेक्टिव प्लानिंग सिस्टम, दैट इज सिस्टम ऑफ प्लानिंग वेयर प्लानिंग इज जस्ट यूज टू डायरेक्ट द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, सिर्फ डायरेक्शन दिया गया है, ठीक है, नथिंग एल्स, गवर्नमेंट का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, देर इज नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, इज सोलली देयर फॉर इंश्योरिंग लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है वो तो नहीं है, एंड ये जो प्रिंसिपल है स्पेशली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बेसिकली पूछा जाता है पीजीटी लेवल पे, लेकिन यूजीसी नेट के लिए भी तैयार कर लेना। चलिए, अगेन NFHS 5 की रिपोर्ट में से कुछ क्वेश्चंस हैं, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। अभी तक जो पूछा गए हैं, कुछ पूछे गए हैं क्वेश्चंस, वो NFHS रिपोर्ट 4 से पूछे गए हैं, ठीक है, 2015-16 वाली जो रिपोर्ट है, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे वो 2019 और 20 NFHS 5 से आएंगे। ठीक, तो अभी ये 15-16 करने की जरूरत नहीं। चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कितना, 2, उसके बाद आईएमआर कितना है अभी, 35.2, ठीक, अंडर 5 आईएमआर 41.9, और इंस्टीट्यूशनल बर्थ 89। तो इंस्टीट्यूशनल बर्थ मतलब सेफ डिलीवरी, या कोई इंस्टीट्यूशन में या फिर कहीं गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, ठीक, जिसको हम सेफ मानते हैं डिलीवरी, तो अभी भी 11% ऐसे हैं जो अभी घरों में डिलीवरी हो जाती है, और वो ठीक इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, यही कारण है कि एमएमआर वगैरह थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है। फर्स्ट का 1 एंड सेकंड का आंसर है 4th, एंड थर्ड जो मैच हो रहा है सेकंड से, एंड इंस्टीट्यूशनल बर्थ दैट इज थर्ड। ठीक, सो फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट है। चलिए, सो आईएमआर याद रखिएगा कितना, 35.2, और यहाँ कंपैरिजन भी दिया हुआ है, दैट जस्ट डाउनलोड द पीडीएफ एंड यू विल गेट ऑल द रिलेटेड टॉपिक आल्सो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अगेन मैच द लिस्ट 1 लिस्ट विद लिस्ट 2, बेस ईयर दिए हुए हैं क्योंकि बेस ईयर यहाँ पे बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, कुछ बेस ईयर आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स, पहले 2004 था, 2005 अभी रिवाइज कर दिया गया है, ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स, ठीक है, मतलब सीपीआई, एग्रीकल्चरल लेबर एंड सीपीआई। तो आई थिंक ये क्वेश्चन इजी लगेगा आपको, क्योंकि सीपीआई का बेस ईयर बहुत बार पूछ चुका है पहले, ठीक, पहले 2010 था, अभी कितना है, 2012, क्योंकि पूछ चुका है, जो क्वेश्चन पहले आ चुका है ना वो क्वेश्चन तो आपके रेंज में होना ही चाहिए।
ठीक, तो सीपीआई ऑलरेडी पूछ चुका है 2012। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, कितना 2011-12, ठीक, तो होलसेल प्राइस रिवाइज हुआ, वहीं से जीडीपी का जो बेस ईयर है ये भी रिवाइज हुआ, कितना है एक बार कमेंट करेंगे। चलिए, सो इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर जो है ये भी रिवाइज हुआ है, ठीक है, 2016 ये बन गया है। लेकिन जो रिवाइज नहीं हुआ है वो है एग्रीकल्चरल लेबर, सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर या फिर रूरल वर्कर, ठीक है, ये अभी कितना है 1986 और 87, ठीक। तो फर्स्ट हमारे पास 3 एंड सेकेंड है 1 एंड थर्ड है 2 एंड देन 4, ठीक है, 3124, 3124, सो फर्स्ट ऑप्शन इसमें भी करेक्ट है, ठीक। तो जीडीपी का बेस ईयर कितना है 2011-12, करेक्ट है, ठीक। तो अभी भी गवर्नमेंट इसको रिवाइज कर सकती है, थोड़ा बहुत इस पर भी बातें चल रही है। चलिए नेक्स्ट, एज पर द NFHS 5 रिपोर्ट द टोटल फर्टिलिटी रेट हैज डिक्लाइन टू, खैर ये क्वेश्चन बहुत इजी है, माइंड में इजिली आपके स्ट्राइक कर गया होगा राइट आंसर, ठीक, ज्यादा फोकस नहीं करते। TFR कितना है 2, लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। चलिए पहले 2.2 था, अभी कितना हो गया 2, तो ये दोनों भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्मॉल सेविंग स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, स्मॉल सेविंग, तो स्मॉल सेविंग आपको याद होगा, स्मॉल सेविंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म सेविंग होती है, जिसको हम टर्म डिपॉजिट ही बोलते हैं, लॉन्ग टर्म सेविंग, जिसको आप लोग विड्रॉल इजिली नहीं कर सकते, लंबे समय की बात कर सकते हो, मिनिमम 5 ईयर, ठीक, उसको बोलते हैं स्मॉल सेविंग, जिसको हम स्मॉल सेविंग या फिर जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह हैं वैसे, ठीक है, स्मॉल सेविंग। और गवर्नमेंट की ये लाइबिलिटी ही होती है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये पे बैक करना है कुछ टाइम के बाद। चलिए देखते हैं, पीपीएफ बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो स्मॉल सेविंग है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC के सर्टिफिकेट जितने भी होते हैं ना लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो ये भी स्मॉल सेविंग है। किसान विकास पत्र, ठीक है, ये भी लॉन्ग टर्म सेविंग है, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है 2014 वाली, ठीक, ये यहाँ पे सिर्फ डेली टू डेली ट्रांजेक्शन कर सकते हो, सेविंग क्या है इसमें, सेविंग तो कर सकते हो लेकिन शॉर्ट टर्म में भी कर सकते हो, ठीक है, कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। तो जनधन अकाउंट एक सेविंग अकाउंट है आपका जनरली, ठीक है, तो ये वाला आंसर इसमें करेक्ट है, जो रिलेटेड नहीं है स्मॉल सेविंग से, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशली ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को फुलफिल करता है। चलिए, तो कुछ लिस्ट है यहाँ पे, लिस्ट को देख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, NSC, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, इसकी डेट भी याद कर लीजिएगा, कई बार डेट पूछ लेता है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस RD मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है लेकिन खैर इंटरेस्ट नहीं पूछता, ठीक है, इसमें करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक SSC का एग्जाम था, उसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे इंटरेस्ट पूछ लिया था, ठीक है, 2016-17 का पेपर था, खैर अभी जरूरत नहीं है इतना करने की, ठीक है। किसान विकास पत्र, उसके बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मंथली इनकम स्कीम, टाइम डिपॉजिट एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग, ठीक है, ये लिस्ट है आपकी स्मॉल सेविंग स्कीम्स की। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, अगेन लिस्ट 1 लिस्ट 2, कुछ कमिटीज हैं और उस कमिटीज की जो एरियाज हैं वो दिए गए हैं। डिस इन्वेस्टमेंट कमेटी आपको याद होगा, हमने पब्लिक फाइनेंस में भी डिस्कस किया था कि किसने दी है, अगर आप लोग कंटिन्यू बने हुए हैं चाणक्य ग्रुप के साथ, तो आपने ये प्रीवियस ईयर में भी जो हमने डिस्कस किया था उसमें भी हम लोग बार बार डिस्कस करते थे, ठीक है। इंडस्ट्रियल सिकनेस, इंडस्ट्रियल सिकनेस से रिलेटेड कुछ कमिटीज हैं, ठीक है, बार बार कभी कुछ पूछता है कभी कुछ पूछता है, लेकिन दो तीन इससे इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं। टैक्स रिफॉर्म से भी वैसे ही है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, रिफॉर्म इन इंश्योरेंस सेक्टर। चलिए मैच करते हैं जो राइट आंसर है, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर किसका है, सी रंगाराजन, ठीक। इंडस्ट्रियल सिकनेस बिल्कुल ओमकार, दैट इज ओमकार गोस्वामी। टैक्स रिफॉर्म्स राजा चिलिया कमेटी, ठीक। उसके बाद रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर, इसकी रिकमेंडेशन RN मल्होत्रा की। चलिए तो मैच करते हैं, फर्स्ट का हो गया 4, सेकंड का 2 एंड थर्ड का 1 एंड देन फोर्थ का 3, ठीक है, 4-3-1, 4-2-1-3, 4-2-1-3, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक। तो रंगाराजन कमेटी, इनके डेट भी याद कर लीजिएगा, कई बार क्रोनोलॉजी पूछ सकता है। रंगाराजन कमेटी 1993 डिसइन्वेस्टमेंट पे, और वहीं
जो ओंकार गोस्वामी की है उनकी भी अप्रैल 1993। टैक्स रिफॉर्म कमेटी, राजेंद्र सिन्हा कमेटी, ठीक है, ये भी इसका भी डेट वैसे 1991 तक की है। उसके बाद मल्होत्रा कमेटी ऑन इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है, 1994। चलिए तो चारों ही कमेटी याद कर लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है विद डेट्स। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा चांसेस होते हैं आपके करेक्ट होने के, क्योंकि जो आपकी कट ऑफ लगेगी ना तभी ये क्वेश्चन काम आएंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की वेटेज बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक। तो 300 का यहाँ पे पूरा पेपर है, तो आप लोग खुद देख सकते हो कि एक क्वेश्चन का जो 2 मार्क्स है, ठीक है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 66% और 60 आपका जो 0.66% है, ठीक है, मतलब कंस्टिट्यूट करता है आपका, ठीक। तो एक एक क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, वहीं आपका 1.5% गया, ठीक। तो मतलब कहीं ना कहीं वेटेज तो है। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मेलानोबिस मॉडल, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ रोलिंग प्लान, डिक्लेरेशन ऑफ प्लान हॉलीडे, इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी। तो ये हम लोग इंडियन इकोनॉमी में ना बहुत बार अच्छे से कर चुके हैं, तो इसमें आई थिंक मुझे लगता नहीं है कि कुछ डाउट होगा, अभी तक आपकी क्रोनोलॉजी बन गई होगी, है ना। सो मेहलानोबिस मॉडल, सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 to 61। रोलिंग प्लान किसने दिया था कॉन्सेप्ट रोलिंग प्लान, ठीक, सो 1978 to 80। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ प्लान हॉलीडे 1966 to 69। एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, 11th 5 ईयर प्लान 2007 to 2012, ठीक। अब मैच करते हैं, सबसे पहले जो है 1956 to 60 मेहलानोबिस मॉडल, ठीक, ए। देन उसके बाद जो 1966, दैट इज सी, एंड देन बी, एंड देन डी। तो ए सी बी डी, ए सी बी डी, सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सेकंड। चलिए, जिसका भी सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, आगे चलते हैं, ठीक। तो इनके विद डेट दिए हुए, तो डेट्स भी याद कर लीजिएगा, सो थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सेक्टर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट इन आईआईपी विद बेस ईयर 2011। पहले बेस ईयर था 2004-2005, अब उस बेस ईयर से नहीं पूछेगा क्वेश्चन, नए बेस ईयर से पूछेगा, ठीक, आईआईपी का जो न्यू बेस ईयर है। अब यहां से मान के चलिए कि बहुत बार यहां से क्वेश्चन आता ही है, चाहे वेटेज पूछे, चाहे ग्रोथ पूछे, या फिर इनका सीक्वेंस क्रोनोलॉजी, चाहे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ हमें असेंडिंग ऑर्डर में देना है, ठीक है, जो कम वेटेज है उसको पहले रखना है और जिसकी ज्यादा वेटेज है उसको बाद में, ठीक। चलिए, तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी का जो शेयर है कम 8%, ठीक है, 7.9, मतलब 8% तकरीबन, और मैन्युफैक्चरिंग का पहले से ही 77% था, और माइनिंग का अप्रोक्सीमेटली 14%, ठीक। तो क्रोनोलॉजी यहाँ पे इजिली सेट हो जाएगी, बस राउंड फिगर भी याद रखोगे तब भी आपकी कहानी बन जाएगी पूरी, ठीक। तो सबसे पहले आया इलेक्ट्रिसिटी ए, उसके बाद आया सी, दैट इज 14% तक, और उसके बाद आया बी, ठीक, ए सी बी, ए सी बी। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ भी करेक्ट है। चलिए, तो ये जो इमेज दी हुई है, इमेज को अच्छे से देख लीजिएगा, बेस ईयर 4 और 5 ये काम की चीज नहीं है, ये ओल्ड बेस है, यहाँ से नहीं पूछेगा क्वेश्चन, आपका यहाँ से बनेगा, ठीक। तो टोटल आइटम ग्रुप पूछेगा 407, मैन्युफैक्चरिंग में 77.6%, ठीक है, मतलब 405 आइटम्स, माइनिंग में 1 आइटम और इलेक्ट्रिसिटी में 1, ठीक। तो माइनिंग का जो टोटल प्रोपोर्शन है 14.37 और इलेक्ट्रिसिटी 7.99। चलिए, तो राइट आंसर यहाँ पे 2। और इसके साथ साथ एक चीज और है, कई बार पूछ लेता है जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है, प्राइमरी गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, कैपिटल गुड्स, इनका शेयर पूछ लेता है। तो प्राइमरी गुड्स का शेयर थोड़ा ज्यादा है, 34.05, तो ये टाइप, इस टाइप का क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा कि किसका शेयर ज्यादा और किसका शेयर कम है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट नीति आयोग। नीति आयोग के अभी सीईओ चेंज हुए हैं, सो हु इज द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग, थोड़ा सा कमेंट कर लीजिएगा, हु इज द नेक्स्ट या फिर न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग, ठीक। चलिए, ऑप्शन है नीति
द एम ऑफ नीति आयोग इज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड एनहेंस द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन द कंट्री। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अभी टारगेट भी रखे हुए हैं तो बिल्कुल करेक्ट है, नीति आयोग ने सेटअप किए हुए हैं टारगेट्स। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, करेक्ट है। प्लानिंग कमीशन को टेक ओवर किया तो प्लानिंग कमीशन का हेड कौन होता था? पीएम। वैसे ही नीति आयोग का हेड कौन है? ठीक है, चेयरमैन यहाँ भी पीएम, तो ये भी करेक्ट है। देर आर 8 फुल टाइम मेंबर्स इन द नीति आयोग, 5 फुल टाइम मेंबर है, 8 नहीं है, तो ये वाला गलत है। स्टेटमेंट 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, सो तो सीओ के जो न्यू, अभी 11 जुलाई 2020 को जो न्यू सीओ चेंज हुए, तो न्यू सीओ का नाम क्या है? करेक्ट, दैट इज परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, याद रखना, खैर इस एग्जाम में तो इतना करंट नहीं पूछेगा, लेकिन बाद के एग्जाम में ये काम आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी आता है बेसिकली। ठीक है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम किसको बोलते हैं? ठीक, तो ऑप्शन में ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। ऐसा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जहां पे आपका इन्फ्लेशन एक्चुअल और आपका एक्सपेक्टेड बिल्कुल इक्वल हो। ठीक है, सो या फिर जहां पे जो फ्लक्चुएशंस हैं इकोनॉमी में, जो आपका इन्फ्लेशन वगैरह है, वो थोड़ा नॉमिनल हो, थोड़ा कम हो। सो नॉर्मल रेट अनएम्प्लॉयमेंट अराउंड विच एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट फ्लक्चुएट्स, तो ऐसा रेट जहां पे एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एक्सपेक्टेड रेट बिल्कुल बराबर हो, मतलब जब इन्फ्लेशन स्टेबल रहेगा या इन्फ्लेशन बराबर रहेगा, तो आप इजिली एक्सपेक्ट कर पाओगे कि आज का जो प्राइस है 100 रुपीज है, अगर इन्फ्लेशन कुछ नहीं रहेगा तो 10 साल बाद भी प्राइस 100 ही रहेगा अगर इन्फ्लेशन कुछ नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर ये एक एग्जाम्पल था। इसी तरह एग्जाम्पल हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के रेट में भी या अनएम्प्लॉयमेंट के सेंस में भी दे सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, देन नॉर्मल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराउंड विच एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट फ्लक्चुएट्स। चलिए, सो इसको हम लोग एक लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट वेयर बाई इन्फ्लेशन इज स्टेबल, जहां इन्फ्लेशन स्टेबल है। ठीक, सो इन्फ्लेशन स्टेबल है तो आप लोग इजिली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट ईयर भी प्राइस क्या रह सकते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट दैट एग्जिस्ट विद नॉन एक्सलरेटिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन एक्सलरेट मतलब बढ़ नहीं रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, असर्शन एंड रीजनिंग। सितंबर 2013 का ये क्वेश्चन है यूजीसी नेट। ठीक है, असर्शन है, द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हाइपोथेसिस यील्ड इन द लॉन्ग रन वर्टिकल फ्लिप कर्व। अगेन थोड़ा सा मैक्रो टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में आपको पता है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो फ्रीडमैन बात करते हैं, लॉन्ग रन की बात करते हैं। ठीक है, दिस इज यील्ड इन लॉन्ग रन वर्टिकल फ्लिप कर्व वर्टिकल भी हो जाता है, करेक्ट है। ठीक, उसके बाद जो फिर बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट बता रहे, ये तो काट दीजिए। ठीक है, क्योंकि असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए रीजन पे चलते हैं। रीजन इज दैट द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अज्यूम्स स्टैटिक प्राइस एक्सपेक्टेशन। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो लॉन्ग रन में इकोनॉमी ऑपरेट करेगी, जहां पे फ्लिप कर वर्टिकल हो जाएगा, ये कह रहा है स्टैटिक प्राइस एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड है। ठीक, तो आपने अजम्पशन अगर पढ़ी है तो आपको पता होगा अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड है, स्टैटिक पे नहीं। ठीक है, अब देखते हैं कि फर्क क्या है। तो यहाँ पे जो रीजन है ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, तो रीजन इज इनकरेक्ट एंड असर्शन इज करेक्ट, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं कि दोनों में फर्क क्या है, स्टैटिक और अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन में। ठीक, तो बेसिक सी बात यह है कि अगर आप स्टैटिक बोलते हैं, स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी, बिल्कुल स्टेबल। तो अगर आपका प्रोडिक्शन, ठीक है, जो हमने आज हमने प्रोडिक्शन किया है, ये बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम प्रोडिक्शन का, यहाँ पे एक्चुअली प्रोडिक्शन नहीं है, आपको पता है कि जो आज इसकी वैल्यू रहेगी वही बाद में भी रहेगी। ठीक, सो द पीपल एक्सपेक्ट दैट वैल्यू ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल नेक्स्ट पीरियड टू बी इक्वल, आज की वैल्यू और नेक्स्ट ईयर की वैल्यू बराबर रहेगी। सपोज हम लोग प्राइस की बात करते हैं, 2020 में प्राइस है 150, स्टैटिक प्राइस कांस्टेंट रहेगा 2020 में भी, 2022 में भी 150 ही रहेगा। ठीक है, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन। ठीक, सो करंट वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, करंट और फ्यूचर दोनों बराबर रहेंगे, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक एक्सपेक्टेशन। दूसरा है अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। अब यहाँ पे जो हम एक्सपेक्टेशन यूज करते हैं वो पहले के बेसिस पे करते हैं, पहले इन्फ्लेशन कितना था, ठीक है, पहले डिमांड और सप्लाई क्या थी, उसके बेसिस पे। सो इट इज अ हाइपोथाइज्ड प्रोसेस बाय विच पीपल फॉर्म देयर एक्सपेक्टेशन अबाउट व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर बेस्ड अपॉन व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। ठीक है, पास्ट में क्या हुआ था उसके बेसिस पे फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं।
ठीक है, तो वो हो गया अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। तो लॉन्ग रन अनएम्प्लॉयमेंट अज्यूम करते हैं अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है, ठीक। तो इसको हम एक्सेलरेशनिस्ट और अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन, ठीक। तो थोड़ा जंक्शंस भी है वो भी पढ़ लीजिएगा, ठीक। आगे चलते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं यहाँ पे। और लॉन्ग रन में फ्लिप कर्व क्या हो जाता है, वर्टिकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, पार्टिसिपेशन रेट इज कैलकुलेटेड बाय, कौन सा रेट, पार्टिसिपेशन रेट, ठीक, पार्टिसिपेशन रेट और उसके बाद आपने पहले किया था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। दोनों ही जो कॉन्सेप्ट है एक बार थोड़े से अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक। तो पार्टिसिपेशन रेट का क्या बनेगा, ठीक, लेबर फोर्स अपॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100, वर्क फोर्स वर्किंग एज पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। तो राइट आंसर क्या है उसकी तरफ चलते हैं। तो जो राइट आंसर है दैट इज लेबर फोर्स, कि टोटल लेबर फोर्स कितना है इकोनॉमी में, उसके बाद वर्किंग एज पॉपुलेशन, ठीक है, वर्किंग एज पॉपुलेशन कितना है मल्टीप्लाई बाय 100, वो फर्स्ट है ऑप्शन यहाँ भी जो है करेक्ट है, ठीक। सो दैट इज लेबर फोर्स अपॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज रिलेटेड टू पॉवर्टी केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 21st सेंचुरी। अब यार ये वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 21st सेंचुरी में कौन सी यहाँ पे कमिटीज पॉवर्टी से रिलेटेड है, ठीक। तो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी भी है, 21st सेंचुरी में बोल रहा है। जितनी भी कमिटीज है ना, ये सब कमिटी आपकी पॉवर्टी से रिलेटेड है, ठीक है, गरीबी से रिलेटेड है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन 21st सेंचुरी, मतलब सन 2000 के बाद, ठीक है, तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी, ये दो कमेटी हैं, बाकी ये दो कमिटीज जो है पुरानी है। तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक, थर्ड एंड फोर्थ। सो एक बार टाइम ड्यूरेशन भी देख लेते हैं क्योंकि क्रोनोलॉजी कई बार पूछ लेता है। अलग कमेटी 1979, उसके बाद लकड़वाला कमेटी 1993, तो ये 20th सेंचुरी हो गए। 21st सेंचुरी में दैट इज तेंदुलकर कमेटी, 2010 तक हम लोग इसका टाइम मानते हैं, और उसके बाद रंगाराजन कमेटी, ठीक, जून 2012। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। तो ग्रोथ विद स्टेबिलिटी स्पेशली किस 5 ईयर का स्लोगन था, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ग्रोथ भी चाहिए और स्टेबिलिटी भी चाहिए। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सेकंड, फोर्थ 5 ईयर प्लान, ठीक। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान ग्रोथ विद स्टेबिलिटी अलॉन्ग विद दैट प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, ठीक है। तो सेल्फ रिलायंट जो इमर्जिंग हुआ था कॉन्सेप्ट, थर्ड 5 ईयर प्लान से ही शुरू हुआ था, ठीक है, सेल्फ रिलायंट, लेकिन वॉर आ गए थे, इंडो चाइना वॉर, इंडो पाकिस्तान वॉर, जिसकी वजह से सेल्फ रिलायंट हमारी इकोनॉमी थर्ड में नहीं बन पाई थी, ठीक। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान करेक्ट है, दैट इज ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। अगेन लिस्ट वन लिस्ट टू, FRBM एक्ट, इंडस्ट्रियल सिकनेस, डबल फार्मर्स इनकम बाय 2022 एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। 2020 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि कमेटी फार्मर्स इनकम डबल से कौन सी कमेटी रिलेटेड है, ठीक है, 2022 तक। चलिए जो सबसे इजी है पहले उसको मैच करिएगा, ठीक है। सो FRBM एक्ट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, FRBM एक्ट किससे जुड़ा हुआ है, FRBM एक्ट में फिस्कल डेफिसिट टारगेट कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट कितना है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में मिलेंगे आपको। और अभी रिसेंटली, ठीक है, FRBM एक्ट को कौन संभाल रहा है। चलिए तो FRBM एक्ट 2003 में जो इनिशियली किसने कौन थे हेड, विजय केलकर, ठीक। इंडस्ट्रियल सिकनेस लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया है, ओमकार गोस्वामी। डबल फार्मर्स इनकम बाय 2022, अशोक डालवाई कमेटी, तो इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आबिद हुसैन कमेटी। चलिए थोड़ा मैच कर लेते हैं, फर्स्ट का फोर, सेकंड का सेकंड, थर्ड का वन एंड फोर्थ का थर्ड, 4-2-1-3, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए तो यहाँ पे डेट्स दी हुई हैं अलोंग अलोंग विथ देयर टाइटल्स, ठीक है, नेम और डेट्स, तो डेट्स को याद रख लीजिएगा यहाँ से। और ये अशोक डालबाई कमेटी, इसमें 2018 लिख लीजिए, 2018 की, ठीक है, 17-18, और उसके बाद
अबिद हुसैन कमेटी 1995। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, द डेथ ऑफ द बेबी चाइल्ड बिफोर 28 डेज ऑफ डिलीवरी इज कंसिडर्ड एज। तो सोशल इंडिकेटर्स में बहुत सारे सोशल इंडिकेटर्स हैं, कम से कम 10 या 11 जो इंडियन इकोनॉमी हमने डिस्कस किया थे उनको अच्छे से कर लेना, ठीक है, 10 11 में से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनती है। तो 28 डेज के अंदर अगर डेथ हो जाती है चाइल्ड की तो उसको हम लोग कौन सा मोर्टेलिटी बोलते हैं, ठीक। सो MMR तो है नहीं क्योंकि ये मेटरनल की डेथ है, तो यहाँ पे तो मदर की डेथ है तो ये तो आएगा नहीं। इन्फेंट, न्यूनेटल, पेरिनेटल, इन तीनों में से आंसर बन सकता है, ठीक, 28 डेज के अंदर। चलिए तो करेक्ट आंसर है, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी भी 1 ईयर के अंदर होता है तो ये भी नहीं है, और पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट ये होता है 7 डेज के अंदर अगर डेथ हो जाती है। तो 28 डेज के अंदर जो होती है डेथ बच्चे की वो है न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए सो IMR 35.2, अगेन रिपीट हो रहे हैं कॉन्सेप्ट, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट फर्स्ट 28 डेज के अंदर अगर डेथ हो जाती है वो, ठीक। सो अभी कितना है, 25 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट्स। उसके बाद मेटरनल मोर्टेलिटी रेट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, या तो 22 वीक ऑफ जेस्टेशन मतलब गर्भ में बच्चों को 22 वीक्स हो जाए, या फिर आफ्टर डिलीवरी 7 डे हो जाए, ठीक है, 7 डे आफ्टर डिलीवरी, इसके बीच में कोई अगर डेथ होती है तो वो आ जाएगा पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट में। चलिए तो पहले 2013 तक ये 26 था, अभी थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अगेन अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, गाडगिल योजना, इंट्रोडक्शन ऑफ रूलिंग प्लान, गरीबी हटाओ नारा, इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी। अगेन ये दो पॉइंट ना रिपीटेड हैं, अब ये दोनों ही क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर के हैं, तो बात समझ आ रही होगी, प्रीवियस ईयर एक ही ईयर के नहीं है, अलग अलग ईयर के हैं। तो अपने अगर आपने प्रीवियस ईयर को अच्छे से स्टडी कर लिया तो मान के चले 20% यहाँ से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। कितना परसेंट, 20%, ठीक, तो 20% मान के चलिए। तो ये बात वैसे ही नहीं है, ये अब अजमाई हुई बात है, 20% एज इट इज आ जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, 2012 से 2021 तक के पढ़ना, नहीं तो 2014 से लेके 21 तक के एग्जाम पेपर, ठीक है। सो स्पेशली 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, 2017 से ही बैचेस स्टार्ट किए थे, अभी 5 साल हो गए कंप्लीट, तो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे ये तो थोड़ा सा पता लग गया है कि यूजीसी कहाँ तक सोच सकती है, ठीक। चलिए तो गाडगिल योजना 1961-66, क्योंकि थर्ड 5 ईयर प्लान, और इंट्रोडक्शन और रोलिंग प्लान अगेन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, गरीबी हटाओ नारा 1971, ठीक, उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ 11th 5 ईयर प्लान 2007। चलिए तो अगर हम लोग सेट करें तो 19 गाडगिल योजना फर्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट हो गया सी गरीबी हटाओ नारा। क्वेश्चन यहां से आता है कि गरीबी हटाओ नारा कौन से 5 ईयर प्लान में दिया था, ठीक, थोड़ा सा कमेंट करेंगे कौन से 5 ईयर प्लान में दिया था। उसके बाद नेक्स्ट CAC, और उसके बाद हो गया बी एंड देन डी, ACBD, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। तो 1971 में तो ये जो 1971 का इलेक्शन था इसमें इमर्ज हुआ, लेकिन हम लोग यहाँ पे मानते हैं 5th 5 ईयर प्लान, ठीक है, स्ट्रेटजीज की, 5th 5 ईयर प्लान की, गरीबी हटाओ नारा की, ठीक। तो गाडगिल फॉर्मूला 1961-66, हालांकि जो एक्चुअल वर्क हुआ 1969 में हुआ, तो अगर क्वेश्चन आता है गाडगिल योजना रिलेटेड विद, थर्ड 5 ईयर प्लान ही राइट आंसर होगा। चलिए रोलिंग प्लान 1978-80, क्वेश्चन आ जाता है कि रोलिंग प्लान वॉज गिवन बाय होम, तो किसने किया था, गुनर मेडल, ठीक, और कई बार ये पूछ लेता हुआ फादर ऑफ रोलिंग प्लान, तो गुनर मेडल का ये भी नाम आता है फिलहाल। चलिए गरीबी हटाओ नारा 1971 के इलेक्शन में, लेकिन हम लोग इसको जोड़ देते हैं किससे, 5th 5 ईयर प्लान से, तो 11th प्लान हमें बताइए ऑलरेडी 7 to 12। चलिए आगे चलते हैं, अगेन अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स, नेशनलाइजेशन SBI, नेशनलाइजेशन ऑफ RBI, नेशनलाइजेशन ऑफ LIC। सो आई होप माइंड में इंडिकेट कर गया होगा राइट आंसर, 14 बैंक 1969, सो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी से बेसिक ही आएंगे, ज्यादा रिजिड नहीं पूछेगा, ठीक है। नेशनलाइजेशन ऑफ SBI 1955, उससे पहले क्या नाम था इसका, SBI का पता होगा आपको, ठीक।
नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई 1949, एलआईसी का नेशनलाइज 1956, ठीक। तो फर्स्ट थ्री आ गया, फिर उसके बाद फोर, दैट इज टू, फर्स्ट पहले थ्री फिर टू एंड देन फोर एंड देन वन, ठीक है, 3 2 4 1, 3 2 4 1, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। चलिए, तो इंपीरिकल बैंक हम लोग बोलते थे, इंपीरिकल बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को, ठीक है, 1921। चलिए, कुछ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मैच द लिस्ट वन लिस्ट टू, कुछ योजनाएं हैं, योजनाएं भी आएंगी। हाँ, एक चीज यहाँ पे थोड़ा मिसिंग रहेगी, वो रह गया आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डाटा, ठीक है, वो मिसिंग रह गया है। चलिए, मुद्रा योजना, पीएम किसान सम्मान योजना या फिर सम्मान निधि, उसके बाद है एनआरएलएम, ठीक, शॉर्ट में ही आपने देखा होगा, एक बार उज्ज्वला योजना, सिर्फ ईयर दिए हुए, और ये बात श्योर है कि यहां से इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए, तो मुद्रा योजना अगर हम बात करें, अप्रैल 2015, ठीक, 2015, किसान सम्मान निधि, ठीक है, 2019, और एनआरएलएम, ठीक है, 2010 2011, और उज्ज्वला योजना 2016। चलिए, मैच करते हैं, फर्स्ट का जो है 2015, उसके बाद नेक्स्ट हो गया फोर्थ, और उसके बाद हो गया नेक्स्ट वन, एंड नेक्स्ट है दैट इज थ्री, सो 2 4 1 3, 2 4 1 3, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए, तो थोड़ा और भी डिटेल में है, 2015, अप्रैल 2015, और तीन है शिशु, किशोर और तरुण कैटेगरीज, ठीक है। शिशु के अंदर आप लोन ले सकते हो 50,000 तक, किशोर में ले सकते हो 50,000 से लेके 5 लाख तक, और तरुण में ले सकते हो 5 लाख से 10 लाख तक, ठीक है, तो इजी है। और नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019, उसके बाद नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2010, ठीक है, अब इसको रीनेम कर दिया गया है, ठीक, दीनदयाल योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, 2016 से। चलिए, सो उसके बाद आ गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है, एलपीजी से रिलेटेड है, बीपीएल फैमिलीज को एलपीजी कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या रखा था टारगेट, 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शन टू वुमेन बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, मतलब 5 करोड़, 2016। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अगेन मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू, वैसे ही क्वेश्चन है लगभग, तो इसमें कुछ पब्लिकेशंस है और उनके टाइमिंग दिए हुए हैं, ठीक, पीरियोडिक लेबर फोर्स, इकोनॉमिक सेंसस, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे और सेंसस, ठीक है, चार पब्लिकेशन और उनकी टाइमिंग। सो जो सबसे इजी है, सबसे पहले वो करिए, देखो सेंसस आपको पता है कितने साल बाद होता है, 10 ईयर के बाद होता है, ठीक, तो 10 ईयर मतलब डिकेडल, सो सबसे पहले तो हो गया आपका डिकेडल, उसके बाद जो नेक्स्ट है अब उसको मैच करिए, देखिए यहाँ पे फोर्थ का होना चाहिए फर्स्ट, फोर्थ का होना चाहिए फर्स्ट, तो ये वाला गलत है। अब नेक्स्ट, इकोनॉमिक सेंसस, ऐसा सेंसस है अभी तक जो 6th और 7th इकोनॉमिक सेंसस हुए हैं, उन सभी सेंसस में कोई प्री डिसाइडेड नाम नहीं, 1976-77 से स्टार्ट हुआ, कोई फिक्स डेट नहीं है, 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, ठीक, तो नो फिक्स्ड प्राइवेट, दैट इज पीरियोडिकली कुछ फिक्स नहीं है, तो इसका तो हो गया फोर, ठीक। नेक्स्ट है आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, तो जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है ये होता है एनुअल, एनुअली पब्लिश्ड। उसके बाद कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, ठीक है, ये होता है क्विंकेनियल, क्विंकेनियल होता है आफ्टर फाइव, ईच 5 ईयर्स, ठीक, तो यहाँ पे सेकेंड। चलिए, मैच करते हैं, फर्स्ट का हो गया थ्री, सेकेंड का हो गया फोर, थर्ड का हो गया टू, एंड फोर्थ का हो गया वन, ठीक है, 3 4 2 1, 3 4 2 1, सो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक। चलिए, तो और भी डिटेल में कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं, अगेन ये भी न्यूली जो गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है, या फिर गवर्नमेंट ने जो वेजेस पर पर्सन मनरेगा की मैं इंक्रीज किया था, उसके उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेली वेज पर पर्सन इन मनरेगा आफ्टर द रिलीफ पैकेज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज रिलीफ हुआ था, या फिर रिलीफ जो पैकेज था उसको रिलीज किया था गवर्नमेंट ने, उसमें मनरेगा वर्कर्स के लिए वेजेस बढ़ा दिए थे, कितना
कर दिए, 182, 192, 202, 242, ठीक, ये न्यूज में भी रहा था थोड़ा सा। सो राइट आंसर है 2002, ठीक। लेकिन हाँ, स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो बढ़ा भी सकती है, ठीक है। अभी हरियाणा जो है मैक्सिमम पे कर रहा है मनरेगा के अंदर। चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो 1.7 लाख करोड़ का जो पैकेज था गवर्नमेंट ने, ठीक है, स्पेशली जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है या फिर जो रोजगार, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, उसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। खैर, इतना क्वेश्चन नहीं पूछता डीप, ठीक। तो इसमें 202 पर डे कर दिया है, पहले 182 था, ठीक। 136.2 मिलियन फैमिलीज को फायदा होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अगेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जो डाटा है, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। सो अभी तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिस्कस नहीं हुआ था, 24th में जाकर डिस्कस हुआ, ठीक। अब इसमें अगेन 2020-21 का या फिर 21-22 का कर लेना, ज्यादा लेटेस्ट नहीं पूछेगा, ठीक। तो 2020-21 का भी करोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि जो शेयर पूछे हैं तो शेयर इतना ज्यादा वेरी नहीं करता, ठीक है। तो हालांकि कुछ परसेंट या कुछ फ्रैक्शन में 0.5, 0.4 ऐसा फ्लक्चुएट होता है, लेकिन ज्यादा मेजर फर्क नहीं आता, क्योंकि एक्सपोर्ट में सबसे आगे लीड कौन कर रहा है अभी? यूएसए कर रहा है 16-17% तक एक्सपोर्ट, ठीक है, कुछ सालों से। सो यूएसए नंबर वन पे है, सो दैट इज हमने उनको वेटेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो सबसे ज्यादा वेटेज है उसको पहले लगाएंगे। सो यूएसए के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड, उसके बाद जो ट्रेड है आपका यूरोपियन यूनियन, ठीक, उसके बाद यूएई, फिर चाइना, ठीक। कितना परसेंट है ये देख लेते हैं। यूएस के साथ कितना है? 16.8, यूरोपियन यूनियन 14.6, 9.1 एंड 5.3, ठीक। सो पहले स्थान आ गया यूएसए का, सेकंड यूरोपियन यूनियन, थर्ड यूएई और फोर्थ चाइना, ठीक। सो टू, उसके बाद थ्री, दैट इज टू, देन थ्री, देन वन एंड देन फोर, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। गोधन न्याय योजना बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, किस स्टेट से रिलेटेड है? स्कीम इंप्लीमेंटेड इन विच इंडियन स्टेट, ठीक है, गोधन न्याय योजना। अब इसके लिए कई अवार्ड भी मिले हैं वहां के सीएम को, ठीक है। गोधन न्याय योजना किस स्टेट से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। तो मिस्टर भूपेश बघेल को यहाँ पे कुछ प्राइज भी मिले हैं इस स्कीम से रिलेटेड, गोधन न्याय योजना, ठीक है, रिलेटेड है इससे। जो काउज हैं उनके जो डंग होता है या फिर जो उनका जो वेस्ट होता है, उससे क्या है, पैसा कमाने के लिए, ताकि जो रूरल इंडियन या रूरल छत्तीसगढ़ के हैं वो यहाँ से पैसा कमा सकें, ठीक है। चलिए, तो टोटल 25 क्वेश्चन थे। अब चेक करिएगा कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें और भी थोड़ा डिटेल है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कुछ रेट भी डिसाइड हुआ है, अंडर विच काउ डंग इज बी प्रोक्योर्ड 2 पर किलोग्राम। अब देखो, 2 रुपीज पर किलोग्राम टू प्रिपेयर वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोस्ट खाद बनाने के लिए 2 रुपीज पर केजी के हिसाब से देगी गवर्नमेंट। चलिए, टोटल 25 क्वेश्चन थे। अब ऑनेस्टली देखना कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। कोशिश किया था कि सभी एस्पेक्ट इंडियन इकोनॉमी के इसमें इंक्लूड कर दें हम लोग, ठीक। स्टेटिस्टिक्स से 25 क्वेश्चन जो बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे 2 दिन के बाद। हालांकि जो टाइम है ना, थोड़ा सा कंज्यूम हो जाता है इन एमसीक्यूज को बनाने में, लेकिन कुछ अपने काम है, कुछ फैमिलीज के काम है, कुछ बहुत सारे काम ऐसे हैं जो साथ के साथ करने होते हैं साइमल्टेनियस, तो फिर भी 2 दिन लग ही जाता है, ठीक है। तो क्वालिटी बेस्ड जो एमसीक्यूज हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेटिस्टिक्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। चलिए, बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।